नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। आज हम रीड साइंस का जो अगला टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं आपके प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स के बारे में, मतलब पादप और जंतु कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे। कुछ संरचना हमने पिछले वीडियो में देख ली थी, RNA, DNA, कौन सा DNA पाया जाता है, केंद्र के बारे में, यूकेरियोटिक कोशिका क्या होती है, प्रोकेरियोटिक कोशिका क्या होती है, इनके बारे में देख लिया था, कोशिका सिद्धांत के बारे में देख लिया था, नॉर्मल कोशिका की जो डिटेल्स थी वो भी हमने पढ़ ली थी। आज जो अगला हमारा इसमें टॉपिक है वो है आपके कोशिका द्रव्य के बारे में। इसमें क्या है कि कोशिका द्रव्य में आपके क्या पाया जाता है, वाटर एंड प्रोटीन। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। अगला क्या है, कोशिका केंद्रक, कोशिका कला व केंद्रक के मध्य उपस्थित पदार्थ को क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। मतलब आपके सामने जैसे कि ये कोशिका है, इस कोशिका में आपके ये क्या पाया जाता है, केंद्रक। इसके मध्य जो भी आपके ये द्रव पदार्थ पाया जाता है, ये द्रव पदार्थ आपके क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य, या जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अगला क्या, इसमें जो कोशिकांग है सारे कोशिकांगों के बारे में पढ़ेंगे। पहला कोशिकांग है आपके गोल्जी का, जिन्हें गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी खोज की थी आपके कैमिलो गोल्जी ने, गोल्जी काय की खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने। ये कैसे संरचना होती है, आपके केंद्रक के पास चपटी नलिकाओं के रूप में पाया जाता है। यह कोशिका का मुख्य स्त्रावी अंग है, इसको यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। इसका कार्य क्या है, देखो, लाइसोसोम का निर्माण करना, शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण करना, कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, पादप कोशिकाओं में ध्यान रखना, अपशिष्ट कोशिकाओं को पुटिका में भरकर बाहर निकालता है। एक बात इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखनी है वो आपके यातायात प्रबंधक। पूछ सकता है एग्जाम में कि कोशिका का यातायात प्रबंधक कौन होता है, शुक्राणु मैक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है, ये किसका निर्माण करता है, लाइसोसोम का निर्माण करता है, एक्रोसोम का निर्माण करता है, यातायात प्रबंधक होता है। ये है आपके किसके बारे में, गोल्जी काय के बारे में। अब देखो इस गोल्जी काय की संरचना आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये जो आपके संरचना है अनेक सारे, इन्हें गोल्जी काय कहते हैं। ये देखो यहाँ पे जो नलिकाकार संरचनाएं दिखाई दे रही है, ये क्या आपके गोल्जी काय है, ठीक है। ये भाग क्या कहलाता है, आपके गोल्जी काय का भाग कहलाता है। ये हमने पढ़ लिया यहाँ पे गोल्जी काय, गोल्जी काय की खोज क्या कार्य करता है, इसका नए नाम क्या है, किस नाम से जाना जाता है। अब अगला है आपके लाइसोसोम के बारे में, किसके बारे में, लाइसोसोम। किसकी खोज किसने की थी, डी ड्यूए नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये आप खोज ध्यान में रखना कि कौन से वैज्ञानिक ने की थी, डी ड्यूए नामक वैज्ञानिक ने। इसे क्या कहते हैं, लयन काय भी कहते हैं। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान में रखना कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसमें जल अपघटन एंजाइम पाए जाते हैं जो लाइसोसोम के फटने पर कोशिका का पाचन कर देते हैं। जैसे ये थैली फटती है तो सारे पाचक एंजाइम कहाँ पे आ जाते हैं, कोशिका में, और ये कोशिका का क्या कर देते हैं, पाचन कर देते हैं। इसी कारण इसे कोशिका के पाचन केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। लाइसोसोम क्षतिग्रस्त व मृत कोशिकांग व कोशिका के अपघटन का कार्य करता है। अगला है हमारा इसमें कोशिकांग, वह है माइटोकॉन्ड्रिया है। इसकी खोज की थी आपके अल्टमान ने, नाम दिया था बेंडा नामक वैज्ञानिक ने। अब इसकी संरचना में हमें क्या ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया का अर्ध स्वायत्त अंग है। अर्ध स्वायत्त अंग मतलब क्या होता है कि जो इसकी उत्पत्ति होती है वो कब होती है, उत्पत्ति जैसे जीवाणु शरीर में प्रवेश करते हैं तो किसका निर्माण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्वयं का DNA होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का क्या कहलाता है, शक्तिग्रह। माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होती है, आपके शक्तिग्रह का मतलब है कि ये हमारे शरीर की ऊर्जा संचित कौन रखता है, माइटोकॉन्ड्रिया में रहती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कोशिका का शक्तिग्रह। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली कोशिका की, मतलब इसके चारों तरफ कितनी झिल्लियाँ पाई जाती है, दो झिल्ली, एक तो ये आप देख रहे हो इसके बाहर वाली, ये एक है आपके अंदर वाली झिल्ली, तो ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, जिसमें बाहरी झिल्ली चिकनी तथा आंतरिक झिल्ली पर अंगुली समान प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं, और क्रिस्टी पर अनेक ऑक्सीसोम F1 कण पाए जाते हैं। अब देखो ये आपके जो अंगुली समान प्रवर्ध दिखाई दे रहे हैं इसमें, ये क्या आपके अंगुली समान प्रवर्ध, इन अंगुली समान प्रवर्ध पर आपके इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, ठीक है। इन इस प्रकार की संरचना को बोलते हैं F1 कण बोलते हैं, या ऑक्सीसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, F1 कण या ऑक्सीसोम बोलते हैं। अगली संरचना आपकी राइबोसोम के बारे में, किसकी संरचना अगली आपके, राइबोसोम। अब देखो राइबोसोम में क्या याद रखना है कि इसकी खोज किसने की थी, क्लॉड नामक वैज्ञानिक ने, और नाम किसने दिया था, पेडेले ने दिया था, ठीक है। यह एक झिल्ली रहित कोशिका, झिल्ली रहित का मतलब है कि इसके चारों तरफ झिल्ली नहीं पाई जाती।
जो अंत्य परदेवी जालिका पर दानों के रूप में पाई जाती है। मतलब क्या होता है कि ये राइबोसोम स्थित कहाँ पर होते हैं, आपके अंत्य परदेवी जालिका के चारों ओर। ये देखो आपके सामने यहाँ पे डायग्राम है, और इस डायग्राम में जो आपको ये संरचना दिखाई दे रही है, ये नलिकाकार इस प्रकार की, ये वलय के रूप में ये संरचना, ठीक है। इस वलय में क्या है कि आपके जो छोटी छोटी ये संरचना दिखाई दे रही है बिंदु के आकार की, ये आपके क्या कहलाते हैं, राइबोसोम कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, राइबोसोम। ये तो ये यहाँ कहाँ पर स्थित होते हैं, आपके अंत्य परदेवी जालिका पर स्थित होते हैं। कहाँ पर स्थित होते हैं, अंत्य परदेवी जालिका पर स्थित होते हैं। यह है सबसे छोटा कोशिकांग है। क्या है, सबसे छोटा कोशिकांग। कोशिका का इंजन तथा प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि कोशिका में प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है, राइबोसोम के द्वारा। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, ये ध्यान में रखना। अगला यहाँ पे है कि राइबोसोम प्रोटीन में आरएनए का बढ़ाव। इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो आपके राइबोसोम होता है वो आपके प्रोटीन का वे आरएनए का बना होता है, ठीक है। एक तो कोशिका का इंजन कहलाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, इसके अलावा आरआरएनए का बना होता है। अगली संरचना आपके अंत्य परदेवी जालिका। किसकी संरचना, अंत्य परदेवी जालिका। खोज की थी पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने। इसे कोशिका का क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि किससे निर्माण करती है, आपके गोल्जी काय का निर्माण करती है। कोशिका द्रव्य तथा केंद्र के मध्य पदार्थों का परिवहन भी कौन करते हैं, आपके अंत्य परदेवी जालिका। कोशिका विभाजन में अंत्य परदेवी जालिका से क्या बनती है, केंद्र कला। ये सामने आपके जैसे डायग्राम में अभी हमने देखा था कि जो आपके छोटे छोटे बिंदु के समान संरचना है वो तो क्या आपके राइबोसोम है, वो क्या आपके राइबोसोम। और ये जो आपको ये नलिकाकार संरचना दिखाई दे रही है, ये नलिकाकार संरचना आपके किसकी है, अंत्य परदेवी जालिका की। किसकी संरचना है, अंत्य परदेवी जालिका की। और ये संरचना है ये आपके किसकी है, केंद्र की संरचना। किसकी संरचना, केंद्र। तो केंद्र के चारों तरफ क्या पाई जाती है, आपके अंत्य परदेवी जालिका पाई जाती है। अगर ये राइबोसोम यहाँ पे उपस्थित होते हैं तो ये कहलाती है आपकी खुरदरी अंत्य परदेवी जालिका। क्या कहलाती है, खुरदरी अंत्य परदेवी जालिका। कब कहलाती है, जब यहाँ पे ये राइबोसोम उपस्थित होते हैं। अगर इन पे राइबोसोम ये नहीं होते तो ये कहलाती है आपकी चिकनी अंत्य परदेवी जालिका। क्या कहलाती है, चिकनी। अगर राइबोसोम उपस्थित होते हैं तो कहलाते हैं आपकी खुरदरी, और अगर राइबोसोम उपस्थित नहीं होते हैं तो क्या कहलाती है, चिकनी अंत्य परदेवी जालिका। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो खुरदरी जब राइबोसोम उपस्थित हो, और एक आपके चिकनी अंत्य परदेवी जालिका जब राइबोसोम उपस्थित नहीं हो। ये हो गया आपके अंत्य परदेवी जालिका की संरचना। अब देखो यहाँ पे अगली संरचना आपके तारक काय, जिसे सेंट्रोसोम कहते हैं। खोज आपके वॉन बेनेट ने की थी। किसने की थी, वॉन बेनेट ने। और नाम किसने रखा था इसका, बोवेरी ने। किसने रखा, बोवेरी ने। यह मुख्य रूप से जंतु कोशिका के केंद्र के निकट तारे के रूप में पाया जाता है, तथा पादप कोशिका में क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ये पादप कोशिका में क्या होता है, अनुपस्थित, ये ध्यान में रखना। प्रत्येक तारकाय में दो तारक केंद्र होते हैं। यह तारक केंद्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जैसे कि ये आपके सेंट्रो तारकाय, ये सेंट्रोसोम, एक तारक केंद्र यहाँ पे होगा, दूसरा तारक केंद्र यहाँ पे। कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतुओं का निर्माण करते हैं। तारक काय शुक्राणु के पुच्छ का निर्माण करते हैं। ध्यान रखना, गोल्जी काय तो आपके अग्रभाग का निर्माण, जबकि जो तारक काय होता है वो शुक्राणु के पुच्छ भाग का निर्माण करता है, और एग्रोभाग में क्या होता है, आपकी गोल्जी काय। अगला है यहाँ पे लवक। लवक मतलब जो आपके जैसे कि अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक, केवल पादपों में पाया जाता है। इसकी खोज हेकल ने की थी। सबसे पहले आपके अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। हरित लवक किस में पाया जाता है, पादपों की पत्तियों में पाया जाता है, ये ध्यान में रखें। किस में पाया जाता है, पादपों की पत्तियों में। जबकि जो वर्णी लवक होता है ये आपके पाया जाता है फलों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, फलों में पाया जाता है। और इसका आपके उपयोग किया जाता है, कोई भी हमें सब्जी वगैरह भंडारित करते हैं उनमें इसका अवर्णी लवक का प्रयोग किया जाता है। वर्णी लवक फलों में पाया जाता है, और हरित लवक किस में पाया जाता है, पादपों की पत्तियों में पाया जाता है। अगला यहाँ पे है आपके पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर, कि इन दोनों में अंतर क्या है। कभी कभी डिफरेंस पूछ लेता है कि कौन सा भाग इसमें उपस्थित होता है, कौन सा भाग इसमें उपस्थित नहीं होता है। तो अंतर में देखो आपको क्या याद रखना है कि कोशिका भित्ति होती है वो आपके पादप कोशिका में क्या होती है, उपस्थित, जबकि जंतु कोशिका में क्या होती है, आपकी अनुपस्थित होती है। अगला हरित लवक होता है। पादप कैसे होते हैं, हरे होते हैं, तो इसमें उपस्थित होता है हरित लवक, जबकि इसमें क्या होता है, आपकी अनुपस्थित होता है हरित लवक। रिक्तिकाएँ होती हैं वो पादप कोशिका में क्या होती है, बड़ी,
एक या दो हो सकती है जबकि आपकी जंतु कोशिका में छोटी होगी या फिर क्या होगी आपके अनुपस्थित होगी। तारक काय क्या होता है, इसमें आपके पादप कोशिका में अनुपस्थित जबकि जंतु कोशिका में क्या होगा उपस्थित। गोलजी काय आपके पादप कोशिका में कम विकसित होते हैं जबकि इसमें जंतु कोशिका में सक्रिय अंग तथा विकसित होते हैं। संचित भोज्य पदार्थ, इसमें ध्यान रखना मंड के रूप में या स्टार्च बोलते हैं इसे, मंड मांड या स्टार्च बोलते हैं, ठीक है। पादप कोशिका में मांड के रूप में रहते हैं जबकि मनुष्य के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में, जंतु में ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ पे रहते हैं यकृत के पास में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहते हैं। अगला है कि केंद्रक होता है, पादप कोशिका में एक तरफ पाया जाता है परिधि की ओर जबकि जंतु कोशिका में आपके केंद्र कहाँ पाया जाता है एकदम बीच में मध्य में पाया जाता है। ये आपके जंतु कोशिका और पादप कोशिका का यहाँ पे जो भी टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस संरचना में हमने सारे जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका थी उनकी संरचना पढ़ ली है, कोशिका के महत्वपूर्ण तथ्य भी पढ़े थे, कोशिका सिद्धांत के बारे में भी पढ़ा और जो भी आपके कोशिकांग थे उनके बारे में पढ़ा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ये वीडियो सारे जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं जैसे कि रेलवे, RRB, NTPC वगैरह, SSC में, राजस्थान पुलिस पटवारी, सब में पूछा जाता है, उनके सब के लिए ये वीडियो आप देख सकते हो।